आगामी 1 जुलाई से एफआईआर के लिए थाने में जाकर बहस की करने की जरूरत नहीं होगी। आप व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम या ईमेल जैसे माध्यम से भी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। इसी तरह अब थाने से यह कहकर भी आपको कोई टरका नहीं सकेगा कि संबंधित थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाएं। ये कहना था ACJM न्यायाधीश सुंदर लाल खरोल का, जिन्होंने डिडवाना कुचामन जिले के अधिवक्ताओं को देश में आगामी 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 कानूनों की जानकारी दी। आपको बता दें कि 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता की जगह जगह भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेंगे। नए कानूनों में FIR को लेकर कई स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, तो कुछ पुराने प्रावधानों को भी मजबूत बनाकर स्पष्टता के साथ लाया गया। निश्चित रूप से इन जो नए कानूनों में नए परिवर्तन जो किए गए हैं, उन परिवर्तनों में 0 FIR से लेकर के जरिए ईमेल या व्हाट्सएप से भी सूचना दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और निश्चित रूप से ये एक गतिशील प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति जिसके साथ में किसी भी अपराध की कोई भी अपराध घटित हुआ है, वो यदि थाने नहीं पहुंच पा रहा है तो वो जरिए मेल भी अपनी सूचना दे सकता है और निश्चित समय के भीतर थाने में जाकर के उस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकेगा और उसकी कॉपी ले सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड्स जो थे, जिनके संबंध में अभी तक जो कानूनों में संशोधन के माध्यम से कुछ प्रावधान जोड़े गए थे, लेकिन अभी भी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी वो जो अधूरी थी, तो अभी जो नए कानूनों में उन चीजों का बिल्कुल समावेश किया गया है और निश्चित रूप से ये यूजफुल रहेंगे, फायदेमंद रहेंगे। देखिए, ये जो नए 3 कानून बने हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों ही कानूनों को वैज्ञानिक रूप से जो नई तकनीकें हैं उनमें समाहित किया गया है। अन्वेषण की जो प्रक्रिया है उसको और सरल किया गया है। साथ ही न्यायालय के लिए कार्य करने की जो योजना है उसमें भी चरणबद्ध तरीके से समय अवधि निर्धारित की गई है। जैसे आरोप विचित करना है, निर्णय करना है, निर्णय को अपलोड करना है, सभी चीजों के लिए एक समय सारणी तय की है और उसके अनुसार न्यायालय को कार्य करना है। देखिए, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। ज्यादातर जो भी कानून है, अभी नए कानून जो बने हैं उसमें पुराने कानूनों को स्थान दिया गया है। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो परिवर्तन आवश्यक थे उसमें किए गए हैं और आधुनिक परिस्थितियों में इन कानूनों को कैसे अच्छे तरीके से लागू किया जा सके उस हिसाब से ध्यान में रखते हुए नए कानून बनाए गए हैं। इसलिए जटिलता जैसा कुछ नहीं है, सरल कानून है। एक बार दो बार जब हम प्रक्रिया में काम में लेंगे तो वो आसानी से बन जाएंगे। ठीक है सर। 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानूनों का को लागू किया जा रहा है। जो पुराने कानून थे उसमें जो वांछित संशोधन थे समय के अनुसार, वो सारे के सारे तीनों नए कानून में कर दिए गए हैं। नए कानून लागू होने से पक्षकारों को समयबद्ध तरीके से न्याय मिल पाएगा और न्याय की जो कुछ प्रक्रियाएं थी, जटिल प्रक्रियाएं थी, वो इजी हो गई है। जो अभियुक्त है उसको भी सुनने का उतना ही अधिकार रखा गया है जितना कि परिवादी पक्ष को अथवा सरकार को। और नए कानून से शुरू में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगी, अदरवाइज ये जो नए कानून है उससे समयबद्ध तरीके से त्वरित न्याय निर्णय हो पाएगा। 3 नए कानून जो लागू किए गए हैं वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता, ये तीनों नए कानून जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो 1 तारीख से लागू होंगे और 1 तारीख की जो रात्रि 12 बजे है उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है सर।